हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और अभी ये वाला जो व्लॉग है, ये 31st का व्लॉग है और मैं एडिट नहीं कर पाई थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो मैं आज एडिट कर रही हूँ। और अभी हो गया आफ्टरनून और हम लोग जा रहे हैं राही और विदित्व के लिए स्पोर्ट्स शूज़ लेने के लिए, क्योंकि जिनको डांस क्लास में स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए होते हैं तो बस उन्हीं के लिए लेने जा रहे हैं। चला जाओ राही, आ गया। बाबू स्पोर्ट्स शूज चाहिए ना, गुस्सा क्यों कर रही है इतना? ठीक है, महंगा पड़ता है क्या? और मैडम को गुस्सा इसलिए है क्योंकि उनको चोटी नहीं बनाना था, जबरदस्ती चोटी बनाई है ना, इसलिए उनका मुंह फूला हुआ है। इनको ना मतलब जब स्कूल जाएगी बस तभी चोटी बनाना है, जैसे स्कूल से आई ना दोनों रबर निकाल के फेंक देगी, उसके बाद चोटी बनाना ही नहीं है, तो बस इसीलिए वो थोड़ा सा गुस्सा थी। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं चंदन नगर। चलो डॉगी झांक रहा है वहां, वो अच्छी गुड गर्ल है, वो काटता है लोगों को, जो भूल लेती है। हां ठीक है, क्या ये देख क्या उधर चल के आओ, जाओ। कंफर्टेबल लग रहा है? बहुत कंफर्ट आता है। और अभी आ गए हैं रिलायंस मार्ट, क्योंकि आज इनको खाना था सुबह से कुलचा एंड छोले, तो मेरे पास बेकिंग पाउडर एंड ईस्ट नहीं था, तो हम लोग बेकिंग पाउडर, ईस्ट और मैदा लेने के लिए आए हैं। और अभी हम लोग जस्ट आए हैं रिलायंस से, और रिलायंस में ईस्ट तो नहीं था बट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा था, तो वही लेके आई हूँ। और इधर बना रही हूँ मैं कुलचे के लिए डो, तो इसमें मैंने लिया है गेहूं का आटा, मैदा। ये मना कर रही थी कि मैदे का नहीं खाएंगे, तो आप गेहूं के आटे वाला बना लो अगर पॉसिबल हो तो। तो मैंने इधर लिया है गेहूं का आटा, फिर उसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग सोडा, और ऐड कर लेंगे उसमें 1/4 कप ऑफ कर्ड। देन अच्छे से उसको पानी के द्वारा सॉफ्ट डो बना लेंगे, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा ऑयल या घी, फिर उसको 2-3 बार अच्छे से मसल लेंगे। उसके बाद उसमें नीचे जो बाउल है हमारा, बाउल को भी ऑयल से ग्रीस कर देंगे। देन 2 घंटे के लिए मैं आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ना है, ताकि उसमें क्या होगा ना कि अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाएगा और हमारा कुलचा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लफी बन जाएगा। तो ये देखो, इस टाइप से हमें आटे को भी ऊपर से ग्रीस करना है, देन कवर करके रख देंगे हम। 2 घंटे बाद हमारा आटा इस टाइप से बन जाएगा, और ये वाला आटा हमारा कुलचा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा फिर इसको अच्छे से और मसल लेंगे, और इधर हमारा एक कुलचा बनके रेडी हो रहा है। तो इसको करना क्या है, इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा ओवल शेप में बेलना है, देन उसके ऊपर हमें डालना है काली या जो भी वाइट तिल है, मेरे पास वाइट तिल था तो मैंने वाइट तिल डाला है, और हरा धनिया पत्ता डालेंगे, और उसको ऊपर से मतलब तवा पे जब डालते ना, थोड़ा सा नीचे की साइड से उसमें पानी होना चाहिए ताकि वो उस पर तवे पर अच्छे से चिपक जाएगा। और एक ही साइड उसको पलटना है, सेकेंड साइड से हमें गैस के ऊपर उसको पकाना पड़ेगा। तो इस टाइप से हमारा कुलचा बनके रेडी हो जाएगा। देखो इस टाइप से हमें ना सेकना पड़ेगा चारों साइड से। तो ये हमारा फर्स्ट कुलचा बनके रेडी हो गया है, और उसके ऊपर से हम जब पूरा एकदम अच्छे से सिक जाएगा, उसके ऊपर हमें लगाएंगे बटर या फिर घी, तो मैं यहाँ पर घी लगाऊंगी। और इस टाइप से बना हुआ बहुत टेस्टी बनता है, मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, देख के कैसा बनता है। जब भी खाया है बाहर ही खाया है, लेकिन आज घर बनाने को मन हुआ, क्योंकि आजकल बाहर का मना है ना, इसलिए जो भी खाना होता है मैं घर पर ही बनाती हूँ। और मेरे छोले बनके रेडी हो गए थे, क्योंकि जब तक 2 घंटा आटा रेस्ट किया था उस टाइम पे मैंने अपने छोले बना लिए थे, और छोले का तो मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि छोले की रेसिपी ऑलरेडी मेरे इसमें डली हुई है, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और ये देखो हमारा फर्स्ट कुलचा बनके रेडी हो गया है।
अरे मैं भूल ही गई। आज ना बहुत यम यम कुछ बना है, देखो टेस्ट करो। क्या है? फलूदा, छोला एंड कुलचा। छोला कुलचा, चलो टेस्ट करो, बताओ मम्मा को फटाफट कैसे बना है। मैं तो पहले ही टेस्ट कर रही हूं। मुझे पे और ये जो है ना, ये रोटी वो भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। सच में बहुत यम्मी बना है ना, टेस्टी लग रहा है। लेकिन जब मैं अभी बड़ी हो जाती हूँ, जब मैं अभी बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं ऐसा ही बनाऊंगी। और अभी देखो, अभी हो गया है 12 बज गई, ये हमारा नया साल स्टार्ट हो गया है, पुराना साल चला गया है। तो नया साल देखो, पटाखे फूटने लग गए, 12 बज गए। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय लवली फ्रेंड्स। एंड पिछले मतलब एक साल में जो भी हुआ है, भूल चूक गिला सिकवा, तो सब अपना फ्रेंड समझ के सब लोग माफ़ करना, और अपने आने वाले साल को अच्छे से इंजॉय करो। तो ये हो गया है अभी, हैप्पी न्यू ईयर। और यहाँ पर चल रही है पार्टी, ये हमारे सामने वाली सोसाइटी है, तो यहाँ पर पार्टी चल रही है। Yeah.